वेलकम टू द चैनल बेड करिकुलम। आज का हमारा टॉपिक होगा पेपर फर्स्ट से। टॉपिक है आज का राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा, तो एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, इसका क्या अर्थ है ये समझेंगे और इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो राष्ट्रीय एकता का अर्थ होता है कि संस्कृति आदि की भावना तथा राष्ट्र के प्रति प्रेम, जिसमें जाति संप्रदाय धर्म भाषा संस्कृति आदि के अंतर को भूलकर अपने को एक जैसा समझा जाए। तो राष्ट्रीय एकता का मतलब है कि आप किसी भी समुदाय के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी कोई भी आपकी भाषा हो, किसी भी आप संस्कृति के हों, किसी भी आप जाति के हों, आप हर एक अंतर को भूलकर तब एक जैसा अपने आप को समझें और आप अपने आप में राष्ट्रीयता की भावना रखें, एक ही संस्कृति की भावना रखें, राष्ट्रीयता की भावना रखें और राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना रखें। राष्ट्रीय एकता एक राष्ट्र के निवासियों को एकता के सूत्र में बांधता है तथा उसमें एकता की भावना को पैदा करता है और इस भावना को विकसित होने के लिए व्यक्ति केवल अपने हितों का ही ध्यान नहीं देता है बल्कि अपने समाज का, राष्ट्र का, उसके हितों का भी ध्यान देता है तथा वह राष्ट्र के आगे अपने व्यक्तिगत पारिवारिक जातीय धार्मिक हितों का बलिदान करने को तत्पर रहता है। तो व्यक्ति राष्ट्रीयता के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए ही अपने व्यक्तिगत पारिवारिक जातीय धर्म धार्मिक हितों हर एक चीज़ को बलिदान करने के लिए लगातार तत्पर रहता है। रॉस के अनुसार राष्ट्रीय एकता की डेफिनेशन दी गई है, परिभाषा बताई गई है। इन्होंने बताया है कि राष्ट्रीयता एक प्रेरणा है जिसको प्रभावित करने के लिए, जिससे प्रभावित होकर एक देश के रहने वाले आपस में एक दूसरे से एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते सद्भावना रखते हैं और मिलजुल कर उसी देश की उन्नति करते हैं तथा उसके सुरक्षा का, उसके कल्याण के लिए सक्रिय रहते हैं। फिर प्रोफेसर हुमायूं करीब के द्वारा एक परिभाषा बताई गई थी। इन्होंने बताया कि राष्ट्रीयता वह है जो राष्ट्र के प्रति अपनत्व की भावना पर आधारित होती है। तो ये डेफिनेशन हुमायूं कबीर के द्वारा दी गई। फिर बू बेकर के द्वारा एक डेफिनेशन बताई गई। इन्होंने कहा कि राष्ट्रीयता देश प्रेम की अपेक्षा देशभक्ति के अधिक व्यापक क्षेत्र की ओर संकेत करती है। तो राष्ट्रीयता देश प्रेम के लिए ही नहीं बल्कि देशभक्ति के लिए ज़्यादा संकेत करती है। राष्ट्रीयता के अंतर्गत स्थान के अतिरिक्त जाति भाषा इतिहास संस्कृति परंपराओं के संबंध भी आते हैं। तो राष्ट्रीयता में हर एक संबंध आता है जो व्यक्ति से रिलेटेड होता है। 1961 में राष्ट्रीय एकता सम्मेलन हुआ जिसमें राष्ट्रीय एकता की व्याख्या की गई। तो इसमें बताया गया कि राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक शैक्षिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा सभी व्यक्तियों के हृदयों में एकत्व की भावना, संगठन की भावना और सशक्ति की भावना का विकास करना होता है। अब जानेंगे कि राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता और महत्व तो क्या है। तो इसके बारे में डॉक्टर राधाकृष्णन का मत है कि राष्ट्रीय एकता एक ऐसी समस्या है जिससे सभ्य राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व का घनिष्ठ संबंध है। डॉक्टर राधाकृष्णन का कहना था कि राष्ट्रीय एकता एक तरह से ऐसी समस्या है जिससे सभ्य राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व का घनिष्ठ संबंध होता है और राष्ट्रीय एकता राष्ट्र की सुरक्षा, उसकी अखंडता, उसके विकास के लिए आवश्यक होती है। इसकी आवश्यकता तथा महत्व को जानने के लिए कुछ पॉइंट बताए गए हैं, जैसे कि विदेशी शक्तियों एवं आंतरिक झगड़ों से उत्पन्न संकट का निवारण करने के लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता पड़ती है। तो राष्ट्रीय एकता विदेशी शक्तियों और आंतरिक झगड़ों को निपटाने के लिए यूज़ की जाती है और विघटनकारी शक्तियों का दमन करके शांतिपूर्ण वातावरण तैयार करने के लिए
राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता होती है और राष्ट्र के स्वाधीनता, सम्मान और हितों की रक्षा करने के लिए भी राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता होती है। राष्ट्र की संस्कृति का संरक्षण करने, विकास करने और उसको हस्तांतरण करने के लिए भी राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता होती है। और सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों और रीति रिवाजों, विभिन्न प्रकार की असमानताओं को दूर करने के लिए भी, लोगों के जीवन को सुधारने के लिए और उचित वातावरण का निर्माण करने के लिए भी राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता पड़ती है। वर्ग विभेदन को समाप्त करने के लिए भी राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता होती है। आप समझेंगे कि राष्ट्रीय एकता के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। तो इसमें जातिवाद आता है, जैसे हम राष्ट्रीय एकता को अपनाना चाहते हैं तो इसमें जातिवाद सबसे पहले आएगा, फिर प्रांतवाद आएगा क्योंकि अलग अलग प्रांत के लोग उपस्थित होते हैं, फिर भाषावाद भी इसकी एक बाधा होगी क्योंकि अलग अलग देश के अलग अलग जाति के लोग होंगे तो वो अलग अलग भाषा भी बोलेंगे, तो भाषावाद भी इसकी एक बाधा है। फिर चौथे नंबर पर आता है धर्मवाद, तो अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग प्रांत के होंगे इसलिए वो अलग अलग धर्म के होंगे, कोई किसी धर्म को सपोर्ट करेगा तो कोई किसी धर्म को सपोर्ट करेगा, इसलिए इसमें धर्मवाद की भी बाधा आती है। फिर आएगी आर्थिक विषमता इसमें, फिर आएगा राजनीतिक दलबंदी, तो राजनीतिक व्यक्ति दलबंदी करते हैं तो ये भी इसकी एक बाधा है। अब राष्ट्रीय एकता और शिक्षा के बारे में समझते हैं। तो राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन शिक्षा को माना गया है और शिक्षा के द्वारा ही हम देश के भावी नागरिकों में आवश्यक प्रेरणाएँ गुण उत्पन्न कर सकते हैं। और प्रसिद्ध दार्शनिक डॉक्टर राधाकृष्णन ने बताया है कि राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षा के महत्व को इस तरह से समझा जा सकता है। तो उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय एकता को छैनी, हथौड़े, ईंट व पत्थर से नहीं लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रीय एकता कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको छैनी, हथौड़े और ईंटों का उपयोग करके लगाया जा सके। इसका जन्म तो व्यक्तियों के हृदय, उनके मस्तिष्क के सहना होता है, जिसका केवल मात्र एक ही साधन होता है कि जो शिक्षा के द्वारा संभव है। तो यह प्रक्रिया धीमी हो पर यह स्वयं में स्थायी हो और दृढ़ हो। तो राष्ट्रीय एकता की भावना शिक्षा के थ्रू होनी चाहिए और वो स्वयं में स्थायी हो तथा सुदृढ़ हो। राष्ट्रीय एकता के लिए कुछ ऐसे प्रयास किए गए अलग अलग कमीशन के द्वारा, अलग अलग समितियों के द्वारा, अलग अलग सम्मेलन के द्वारा, तो उसमें शामिल है सबसे पहले राष्ट्रीय एकता गोष्ठी, नेशनल इंटीग्रेशन सेमिनार किया गया राष्ट्रीय एकता के लिए, फिर राष्ट्रीय एकता के लिए समिति के द्वारा भी कदम बढ़ाए गए, मुख्यमंत्री सम्मेलन के द्वारा इसमें स्टेप लिए गए, उप कुलपति सम्मेलन के द्वारा भी प्रयास किए गए, राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के द्वारा प्रयास किए गए तथा भावनात्मक एकता समिति के द्वारा प्रयास किए गए, शिक्षा आयोग के द्वारा कुछ प्रयास किए गए राष्ट्रीय एकता के लिए तथा राष्ट्रीय एकता समिति के द्वारा भी राष्ट्रीय एकता के लिए कुछ प्रयास किए गए। राष्ट्रीय एकता को विकसित करने के लिए शिक्षा की व्यवहारिक योजना चलाई गई, जिसमें एक शिक्षा नीति को चलाया गया कि वन एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए और शिक्षा के उद्देश्य बताए गए, शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम को डिसाइड किया गया, शिक्षण विधियां बताई गई और शिक्षकों के बारे में बताया गया। अब देखेंगे कि राष्ट्रीय एकता तथा शिक्षा नीति के बारे में क्या कहा गया है। तो शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में कर दिया गया, लेकिन इससे समस्या का हल नहीं पाया गया, अतः शिक्षा को संघ सूची के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। तो यह बताया गया कि शिक्षा पहले राज्य सूची में थी, फिर इसको संवर्ती सूची में कर दिया गया, लेकिन इससे भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो अब ऐसा मानना है कि शिक्षा को संघ सूची में लाना चाहिए, जिससे कि शिक्षा का पूरा उत्तरदायित्व जो है वो केंद्र सरकार के पास हो जाए तथा संपूर्ण देश में
प्राथमिक माध्यमिक उच्च शिक्षा का एक ही जैसा ढांचा हो और उसको संगठन कराया जाए। सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम में एक रूपता होनी चाहिए, मतलब कि सभी स्तर जितने भी लेवल्स हों उनमें एक ही तरह का पाठ्यक्रम हो, एक ही तरह की शिक्षा दी जाए। दोहरी शिक्षा प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए तथा आज विभिन्न राज्यों में विभिन्न राजनैतिक दलों की सरकारें हैं, तो ये सरकारें जो है अपने दल पर काम करती हैं, इसलिए ये बताया गया है कि शिक्षा जो है राष्ट्रीय एकता की शिक्षा नीति के द्वारा ये बताया गया है कि शिक्षा को आज के टाइम पे संघ सूची में लाना चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन, ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है।